very stylish performance, I would say. Rock and roll thai gi. गहने मेरी बहू के लिए बनवा के भेजिए जल्दी से। मैं अपनी बहू को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहती हूँ। मेरी होने वाली सासू माँ ने कल मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किए थे। मेरे फियांसे का नाम भी मानव है। मानव बोरीसा, मानव बोरीसा, मानव बोरीसा। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हूँ, बट इस बार मम्मी जी आप जो चाहती है वो गलत है और दादी जी कहती है कि अपने साथ गलत तब होता है जब हम किसी को अपने साथ गलत करने दें और मैं अपने साथ ऐसे नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर ये सच तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी बेटे ने नहीं किया। मैं उनसे सारे रिश्ते तोड़कर इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। मानव मैं जानती हूँ तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो और मैं सिर्फ अपनी शादी को नहीं तुम्हारे और मम्मी जी के रिश्ते को भी बचा कर रहूंगी। लेकिन उसके लिए ये रिसीट काफी नहीं है। ज्वेलर के पास जाऊंगी तो मम्मी जी को पता चल जाएगा। मानव के सामने सच लाने के लिए मुझे कोई ठोस सबूत लाना होगा। दादाजी को इस तरह परेशान नहीं करते। तुमने होमवर्क किया है? नहीं मम्मी। तन्वी बेटा इन्हें अंदर ले जाओ। चलो दादाजी। अरे बहू साथ में जलेबी नहीं लाई? आज सबका मीठा खाने का मन कर रहा है। मेरा तो नहीं कर रहा। बापूजी करेगा, मीठा आएगा ना तो आपका भी मन करेगा। अच्छा तो मैं घारी लाती हूँ, मेरी भतीजी ने सूरत से भेजी है। अरे तुझे क्या लगा तू पीछे से आएगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी? चल छोड़। अरे अच्छा पर आप अपनी आंखें बंद रखी। अच्छा आंखें बंद रखूंगी क्या है? चलो हाथ आगे कर। क्यों तू प्रसाद बांट रहा है? हाँ चलिए अब आंखें खोलिए। क्या है? मेरी पहली कमाई। वाह अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ और इसने तो कमाई शुरू भी कर दी। वाह बापूजी ये सब इसी की मेहनत है। मैंने उसे नारायणपुरा की वो बासमती होलसेल फैक्ट्री संभालने दी थी और उसने एक हफ्ते में पूरे एक महीने का कोटा रिटेल मार्केट में बेच दिया। बस उसी पहले काम की ये पहली कमाई है। होता किसका है? अरे तो बापूजी बेटा किसका है, है? ये तो सोचिए। बेटा ठाकुर जी तुझे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। भगवान से पहले ये आपका आशीर्वाद जो मैं इस लायक बन। पापा पैसे मंदिर में रखते हैं लेकिन मैं अपनी पहली कमाई आपके हाथों में रखना चाहता हूँ।
क्योंकि आप ही मेरे लिए सबसे बड़ी लक्ष्मी, क्योंकि आप मेरा ही नहीं इस पूरे घर का भला चाहते। आई होप ऐसा ही हो और मम्मी जी तुम्हारा ये ट्रस्ट कभी ना तोड़े। बेटा इसमें कोई शक नहीं कि तू इस घर का लायक बेटा है। तूने मतिलाल ने दी हुई जिम्मेदारी नहीं, अपनी पहली कमाई के पैसे अपनी माँ के हाथ में रखकर इस खानदान के संस्कार को भी निभाया है। लेकिन एक बात कहूं बेटा, बेटे की कमाई पे माँ का हक तभी तक बनता है जब तक वो कुंवारा होता है। क्योंकि आज तेरी शादी हो गई है तो तेरी कमाई पर अब हक तेरी पत्नी का छनछन का है। शू कहो छो उमा बहन? जी बापू जी। बापू जी सही कह रहे हैं, इस पे तेरा सबसे पहले हक है। मम्मी जी, कोई भी रिवाज बड़ों की रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होता। अगर मुकुट भाई, मंथन भाई और मानिक भाई ने अपनी पहली कमाई आपको दी तो फिर मानव की पहली कमाई भी आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि आप इस घर की सबसे बड़ी बहू हैं। देखा बापूजी, जैसा मेरा मानव वैसी उसकी पत्नी। दिमाग से समझदारी और दिल से संस्कार। लेकिन ये तो तेरा ही हक है। लेकिन मम्मी जी, बड़ों का आशीर्वाद है, मना नहीं करना। मैं घारी लाती हूं। हाँ हाँ जी 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 जी, ऑर्किड बुके का ऑर्डर दिया था। हाँ 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस तो मैंने लिखवा ही दिया था ना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं पैसे कल आकर दे जाऊंगा। ओके। क्या बात है मुकुट भाई, ऑर्किड के फ्लावर्स किसके लिए मंगवाए? वो देने है किसी को। बुके छोड़, ये बता इतनी रात को तू मेरे कमरे में क्यों आया? वो भैया आपसे कुछ पूछना था। जो डिस्काउंट हम रिटेलर्स को दे रहे हैं क्या उतना ही रखना है या उससे बढ़ाना है? निका कौन से रिटेलर्स हैं? एक काम कर, इस सीजन में इनका डिस्काउंट इतना ही रहने दे, अगले सीजन में जितना ऑर्डर देते हैं इनके ऑर्डर के हिसाब से इन्हें डिस्काउंट दे देना। ठीक है। अरे भाभी, सबने तो खाना खा लिया, फिर आप पकौड़े किसके लिए बना रही है? उन्होंने खाना ठीक से नहीं खाया ना, तो मैंने सोचा उनके लिए पकौड़े बना देते, बहुत पसंद है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस कमर में लचक आ गई थी। क्या भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप है कि आप मुकुट भाई का कितना ख्याल रखती है। एक मिनट, अब जाइए। पकोड़े रख दो। वाह, रात में भी पकोड़े। वैसे कौमुदी भाभी का सबसे ज्यादा फायदा तो भैया आपको है, जब मन करे जो मन करे आप खा सकते हैं। तुम भी खा लेना। भाभी, भैया ये फाइल मैं कल ले लूंगा, आप बिल पे साइन कर दीजिए। पकौड़ों के साथ चटनियों तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं भूल गई थी,
अभी ले आई जी। मानव भाई, आपको भी अगर पकोड़े खाने हैं तो मैं बना दूं? नहीं भाभी, थैंक यू। भाभी, भले ही मुकुट भाई आपसे कम बात करते और डांटते ज्यादा, लेकिन आज भी आप ही से प्यार करते, तभी तो आपके लिए फूलों का गुलदस्ता मंगवाया है कल सुबह। मेरे लिए? हाँ, मैंने उन्हें फोन पे बात करते सुना था। देखिए, आप किसी को बताइएगा मत, नहीं तो उनका सरप्राइज खराब हो जाएगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? दादाजी ने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि बेटे की पहली कमाई का हक माँ को जाता है, इसलिए मैंने पैसे उनके हाथों में रख दिए। तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा? नहीं माना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बुरा तो मुझे इस बात का लगा कि मम्मी जी ने पैसे मुझे दे दिए। यही तो उनका बड़प्पन है, उन्होंने इतने अप्स एंड डाउन देखे, इस घर को कितनी बार फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाला, कितना कुछ किया उन्होंने इस घर के लिए, लेकिन बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं इनके लिए कितना भी करूं कम है। तुम मम्मी जी से इतना प्यार करते हो कि उनका सच देख नहीं पाओगे, और अगर मैंने तुम्हें सच नहीं दिखाया तो तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगे। पर मुझे सच सामने लाना ही है, वरना एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सॉरी मानव, मुझे ये करना होगा क्योंकि यही मेरा प्लान है। चंचन, चंचन, मुझे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, प्लीज उसे ढूंढकर बाहर रखो। पकड़ के रखो। हाँ, पकड़ा हुआ है, चल संभाल के लगा, जल्दी कर। अरे भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रहने दे चंचन, तुझसे नहीं होगा। हाँ अरे चंचन, तुमसे नहीं होगा ये सब, मुझे तो इतने सालों से आदत है ना करने की, तो मैं कर लूंगी। हाँ, तुमसे नहीं होगा। भाभी, अब थोड़ी आदत तो मुझे भी डालनी होगी, आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। चंचन, कपड़े निकाल दिए। कपड़े? अरे ये लो, चंचन जल्दी आओ। अब मैंने क्या कर दिया जो इतना चिल्ला रहा है? आई,
बेटा अपने को गुस्सा करते रहता है। तेरे ही नसीब में लगा इसे। मैं आती हूँ। ChhanChhan! क्या हुआ, तुम बुला रहे थे? ChhanChhan, कबर्ड लॉक्ड है, चाबी कहाँ है? मानव, तुमने एक चाबी के लिए पूरे रूम को उथल पुथल कर दिया। तुमने ड्रॉअर में देखा भी? कहाँ है ड्रॉअर में? और ये कबर्ड तो खुला हुआ है। खुला है? और अभी तो लॉक था ये। मानव, तुम बेकार में ही मुझ पे चिल्ला रहे थे। मैं चिल्ला रहा था? हाँ, तुम चिल्ला रहे थे। आजकल हर छोटी सी बात पे मुझे चलाते हो, डांटते रहते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरी कोई भी बात पसंद नहीं है, बस हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो। ChhanChhan, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? तुम्हें मैंने सिर्फ कपड़े बाहर निकाल के रखने के। Exactly. पहले तुम मुझे काम देते हो, फिर उसमें गलती निकालते हो और फिर मुझे डांटते हो। अब तुम वो मानव नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? तुम बदल गए हो मानव। बता, मैं नहीं, बता तुम गई हो। तुम्हें मेरे प्यार पे नहीं, सबके प्यार पे शक। बस मानव, मैंने हर तरह से तुम्हारे परिवार का प्यार जीतने की कोशिश की और तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ChhanChhan, ये क्या हो रहा है? मानव, मुझे रोको मत, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मानव, स्टॉप इट। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू वॉन्ट इवन मिस मी। ChhanChhan, ChhanChhan! माने, मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि छोटी सी बात पर तुम घर छोड़ के चली जाओगी। छोटी सी बात? दो दिन से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, मुझे हर चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो और तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? यू लिसन टू मी मानव, मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अपना समझकर सबका प्यार जीतने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें लगता कि मैं सबके प्यार पर शक कर रही हूँ। अब जब हमारे बीच भरोसा ही नहीं रहा तो मेरा यहाँ रहने का फायदा क्या है? मैं जा रही हूँ और मैं वापस तब आऊंगी जब तुम्हें अपनी गलती रियलाइज होगी। And for God's sake, अपनी या मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व मत कर। अगर तुम्हें उनकी परवाह हो तो। ChhanChhan, सुनो। मम्मी जी। हाँ बेटा। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं अपने मायके जा रही हूँ। अपने घर वालों से मिलने जा रही है? जा बेटा, वापस कब आएगी? नहीं मम्मी जी, मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही, मैं बस जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। अरे अरे बेटा, रुक रुक, मुझे एक बात बता। कोई मुझसे गलती हो गई बेटा, रुक। मानव ने कुछ कहा? हाँ, तो आप मानव से ही पूछ लीजिए। और प्लीज मम्मी जी, इस बारे में पापा या दादाजी से कुछ मत कहना, क्योंकि मैं वापस तब तक नहीं आऊंगी जब तक मानव ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। अरे अरे ChhanChhan, ChhanChhan बेटा, सुन सुन मेरी बात, सुन बेटा। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। I'm sorry मानव, पर मेरा ऐसा करना जरूरी था। कभी कभी सच का पता लगाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। अरे अरे मानव, देख बेटा क्या हो गया, ChhanChhan क्यों जा रही है? खुशी मम्मी, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बस और कोई बात नहीं।
मैं अरे बेटा सुन, अगर मुझे पता होता ना तो मैं बात कर लेती, लेकिन ये तुम दोनों के बीच की बात है। वो छनछन के बारे में सबसे ज्यादा तू ही जानता है। लव मैरिज जो की थी तूने, अब बेटा इस वक्त क्या करना चाहिए वो तुझे सबसे अच्छा पता है। हाँ, पर जो भी करना सोच समझ के करना। भगवान सब का भला करे पर शुरुआत मारा थी करे। It was a very stylish performance, I would say. Rock and roll, thank you.